बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं हूँ अफ्शा इमरान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल लाइफ विद अफ्शा इमरान। आज हम आए हैं कुछ यमिसा खाने, क्योंकि नादली को लग रही थी भूख और बाकी बच्चों ने भी कहा कि हमने जाना है, तो हमने कहा चले ठीक है चलते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं साथ। जब कहाँ जाते हैं ये भी आपको बताते हैं। पहले तो आप बाहर के कर लें नज़ारे, देखें कितने खूबसूरत ज़बरदस्त मौसम है और इस मौसम में कुछ मज़ेदार सा खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। चले जी, हम तो पहुंच गए अपने वेन्यू पे जहां पर हमने खाना खाना है, और आप लोग भी अगर आपका दिल चाह रहा है तो यहां पे ज़रूर आइएगा। ये आपको फैसल टाउन पर मिलेगा, नमक मंडी के नाम से मशहूर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम खा रहे हैं सब्जी और सामने बड़ी मज़ेदार सी बन रही है चाय। अगर वो चाय का लवर है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मज़ेदार सी चाय पीने का हर एक को ही होता है शौक। ये देखें बड़ी मज़ेदार सी ये हमने सब्जी खाई है और बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद बच्चों ने ली थी फ्राइज़, वो खाए और सब ने किया खूब मज़ा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें किया जाए फुल इंजॉय। ये देखिए मज़ेदार सा ऑर्डर हमारा लग रहा है और सब्जी हो रही है तैयार। इसके साथ हो गया काबली पुलाव जो कि बहुत ही मज़ा देगा। चलिए उतनी देर में आपको इर्द गिर्द की जगह दिखाते हैं। ये रहमान सब्जी वाला है, ये नमक मंडी है और बाकी भी इधर बहुत सारी शॉप हैं खाने की। अगर आपने यहाँ पर आना है तो ज़रूर आइएगा और खूब लुफ्तानंदोज़ होइएगा इन खानों से, क्योंकि हमें इतना मज़ा आ रहा है, यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आएगा। चले फिर, अभी तो हम मज़ेदार से पियेंगे चाय, क्योंकि चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है। और आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस का दिल करता है चाय पीने को। ये देखें खूब मज़े से पी रहे हैं मेरे हस्बैंड चाय और साथ में हसनैन। इधर हमारा खाना भी आ गया है जो कि नादली का फेवरेट है, और साथ में ये देखें मेरी चाय। अभी आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार और यम्मी सी चाय है। साथ बच्चों ने तो साथ में कोक ली थी, लेकिन हमने पी है चाय और ये मज़ेदार से सब्जी खाई है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और फेवरेट है। जब भी हम यहाँ पर आते हैं यहाँ से सब्जी ज़रूर खाते हैं और बहुत मज़ा आता है। अगर आपका भी दिल चाह रहा है तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और मज़ेदार सी सब्जी खा सकते हैं। ये देखें चाय किसको पसंद है, इतने ठंडे ठंडे से मौसम में चाय तो बहुत ही मज़ा दे रही है। चलें ये देखें नादली तो कह रहा है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, उसे हर दफ़ा ही बहुत मज़ा आता है। अब इसके बाद बच्चों ने लेनी है फ्राइज़। ये देखें ये लिया अब्दुल को उसके बाबा ठंडा करके दे रहे हैं कि इसके मुंह में ना लगे। ये देखिए और इधर शहर बानो उसने सिर्फ फ्राइज़ ही खाने, इसलिए वो कह रही है मैं तो बस यही खाने, मैंने ये नहीं खाना। कहती तो थी लेकिन खा लिया था उसने भी मज़े ले के ही, और बाद में फ्राइज़ भी बच्चों ने खा लिए थे। चलें ये देखिए चाय कितनी मज़ेदार सी है, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी चाय मिलती है जिसको पी के बहुत मज़ा आता है। आप भी यहाँ पर आए और ज़रूर ऑर्डर करें चाय। ये नमक मंडी के बिल्कुल साथ रेस्टोरेंट है, पठान बैठते हैं, आपको पता है कितनी मज़ेदार सी चाय होती है इनकी। साथ में हमने पराठा भी ऑर्डर किया था, लेकिन इस टाइम पे पराठा हो गया था ख़त्म। चले फिर खाली चाय को ही पीते हैं और साथ में हम भी दोनों वाले ले लेंगे। ये देखिए मज़ेदार सी चाय है, और के किस किस को इसकी तलब हो रही है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सी चाय है। चलिए सबको देते हैं, सब लें और मैं अपनी भी लूँ, फिर हम चाय पीते हैं साथ में करते हैं बातें, क्योंकि एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का अपना ही मज़ा है। ये देखें मज़ेदार सी चाय ये है आप लोगों के लिए, अगर आपने पीनी है तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। चले बच्चों ने खाना तो खा लिया था, आप रह गए थे फ्राइज़। मज़ेदार से फ्राइज़ आ गए हैं जो कि बहुत ही शौक़ से बच्चों ने खाए हैं,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी कीजिएगा लाइक, वो भी इसी नाम से, लाइव विद अफशा इमरान। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।